हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी पाइरूपिक अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज व एटीपी, ऑप्शन डी फ्यूमेरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरूपिक अम्ल का संश्लेषण होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाइरूपिक अम्ल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी मूत्राशय। स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी कुंडलित नलिका, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी वोमेन संपुट। मनुष्य में रुधिर वोमेन संपुट में छनता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वोमेन संपुट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी लसीका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोक्रोम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी धमनी। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी सक्रिय परिवहन। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायलिसिस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी मूत्र में, ऑप्शन डी पसीने में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूत्र में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी ब्रक। अपोहन का प्रयोग ब्रक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए डिम्बवाहिनी नली में, ऑप्शन बी ग्रीवा में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी आच्छाद में। सामान्यतः निषेचन डिम्बवाहिनी नली में होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, डिम्बवाहिनी नली में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है?
ऑप्शन ए पिता के, ऑप्शन बी माता के, ऑप्शन सी माता पिता दोनों के, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? ऑप्शन ए 8 महीने, ऑप्शन बी 9 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 7 महीने। मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 महीने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी न्यूरोटोमी, ऑप्शन डी साइकेडेमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी न्यूरेटोमी, ऑप्शन डी साइकेडेमी। पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बेसेक्टोमी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? ऑप्शन ए आस्था, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी डॉली, ऑप्शन डी लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लुइस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी आउटो, ऑप्शन डी पीयूष। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी किडनी। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मस्तिष्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी जननांग, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्यूटरी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी अंडाशय। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सीटोसिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रीनेलिन। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरोक्सिन को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है?
ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी गर्भाशय। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी एड्रेनालिन। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।